वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स आशा ओरा। सो बेसिकली ये जो वीडियो है, मैं इसमें बताऊंगी कि NCHMCT क्या है, क्या नहीं है, ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है। आई नो इस साल वाले जो देख रहे हैं वो तो देखेंगे नहीं, लेकिन मैंने इस साल पेपर दिया है, मेरे को कॉलेज मिल चुका है। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, क्या रैंक थी वगैरह वगैरह। पहले मैं बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होती है, क्या होता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताऊंगी, जिससे कि जो नेक्स्ट ईयर जो अप्लाई करेंगे उनको बहुत थोड़ा इजी होगा। सो ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद स्टेप नंबर वन। कौन सी बुक चाहिए होती है? एक अरिहंत की बुक आएगी, आती है, जो NCHMCT JEE का था, होटल मैनेजमेंट का। सो वो बुक की मैं फ़ोटो यहाँ डाल दूँगी। सो आप लास्ट एडिशन भी ले सकते हो और लेटेस्ट एडिशन भी ले सकते हो, मेरे पास भी रखी है, किसी को चाहिए हो तो मुझे DM कर देना, क्योंकि दोनों सेम ही होती है लगभग, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल इजी पेपर होता है, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें और कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हें अगर बहुत टॉप कॉलेज में जाना है या फिर मतलब ओबियसली सबको जाना होता है कि सबसे टॉप कॉलेजेस में, लेकिन अगर जैसे तुम्हारा 12th का मिड का चल रहा है तो तभी तुम्हारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे फेब के एंड से मार्च के स्टार्टिंग समथिंग तक, और एंड मेरे को नहीं पता कब हुए थे, क्योंकि तभी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। फेब का एंड भी नहीं बोल सकते, लाइक मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो तब स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद बंद हुए थे शायद अप्रैल में बंद हो गए थे, आई थिंक सो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसी बीच होते हैं जब तुम क्या नाम है अपने बोर्ड्स दे रहे होगे, क्योंकि इस साल तो ऑब्वियसली दो बार बोर्ड्स होंगे। सो जो जब तुम्हारा सेकंड बोर्ड होगा वो होगा तुम्हारा मार्च वगैरह में, जैसे हर साल होते हैं मार्च में, ठीक है। तो मार्च में तुम्हें रजिस्टर कर देना है, इस बार हो सकता है पहले भी कर दें, क्योंकि इस बार सब बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पेपर लेट हो, रजिस्ट्रेशन जैसे हमारा इस बार पहले हो गया, लेकिन हमारा पेपर बहुत लेट हुआ। हमारा हुआ था सितंबर चल रहा है ना, इससे पहले अगस्त, 10th अगस्त को हुआ था हमारा पेपर, और बहुत बच्चों ने अप्लाई भी नहीं कर पाए थे, सबको पता है ये बात, ठीक है। सो क्या करना है हमें कि मार्च जैसे ही एक्चुअली जनवरी स्टार्ट हो, तुम लोग साइट ओपन करना स्टार्ट कर दो, जैन से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि पहले भी क्या नाम है फॉर्म्स निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इस साल थोड़ा प्रोसेस वापस बैक टू नॉर्मल होने लग गया है लास्ट ईयर से, मतलब जो अभी ईयर करंटली चल रहा है, तो इसलिए अभी प्रोसेस नॉर्मल होने लग गया, तो इसलिए जनवरी से तुम स्टार्ट कर दो बुक्स वगैरह लेना, तुम साइड बाय साइड करते रहो प्रिपरेशन, ठीक है। और जैसे तुम्हारे बोर्ड्स ओवर हो, तुम 2 महीना लगा के 3 घंटे भी अगर तुम दिल्ली का दोगे उस NCHMCT के बुक पे, सो तुम्हारा टॉप कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 5 में तो मिल ही जाएगा। अगर तुम ज़्यादा पूसा वगैरह, जैसे फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली सब उसी के लिए करते हैं, तो अगर तुम्हें उसके लिए करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें फिर 5 to 6 hours देने पड़ेंगे। और अगर तुम टॉप 5 में भी चाहते हो, तो इसलिए अगर तुम टॉप 5 में चाहते हो तो फिर तुम्हें सिर्फ 2 to 3 hours देने डेली उस बुक पे, ठीक है। जैसे ही बोर्ड ख़त्म हो तभी स्टार्ट कर दो, या फिर जब जनवरी में जब तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो जाएँ, मतलब होता है ना कि प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 के बीच में जो गैप होता है उसमें तुम 1-1 घंटा करना स्टार्ट कर दो, अगर तुम्हें बहुत अच्छे टॉप 5 में चाहिए तो, ठीक है। ये हो गई हमारी कि कब निकलता है, क्या होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा NCHMCT का पेपर, ठीक है। उससे पहले तुम क्या क्या कर लो, चलो मैं वो आके बताती हूँ। सो क्या करना है अब हमें कि तुम्हारे हो गए बोर्ड्स, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अब तुम्हारा होगा पेपर। तुम जिस दिन से चेक करना, मतलब जैन के फर्स्ट वीक से तुम चेक करना स्टार्ट कर ही दो, मेरी मानो तो डेली एक बार, बस एक बार ओपन ही करनी है, 2 मिनट लगते हैं साइट ओपन करने में, पूरे दिन फ़ोन में लग रहे होते हो तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ओपन करने का, और ईच एंड एवरी सिंगल डे बस देख लो कि कोई अपडेट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि जब तुम्हारा आ जाएगा कि पेपर इस दिन है, इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया पेपर, वरना हमारा जुलाई में ही होना था पेपर, इस बार अगस्त में हो गया, तो हो सकता है कि जुलाई में हो जाए, तो इसलिए पैनिक मत करना कि सबके कॉलेजेस मिल गए हैं वगैरह वगैरह, उससे तुम टेंशन मत लेना कि मेरा क्या होगा, सबका कॉलेज मिल गया, उनको प्राइवेट में जाना है वो प्राइवेट में चले जाएं, अगर तुम्हें गवर्नमेंट में तुम्हें भी जाना है प्राइवेट में तो गो अहेड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ऑब्वियसली किसी को होगी भी नहीं, ठीक है। सो जब तुमने पेपर दे दिया, सपोज़ तुम्हारा इस बार ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 2022
2022 का बैच की बात बता रही हूँ मैं, 2022 हमारा तो ऑनलाइन हुआ, तुम्हारा नहीं होगा ऑनलाइन, ठीक है। तुम जाके दो, 3 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सॉरी 200 मार्क्स के, सॉरी 200 क्वेश्चंस होते हैं और 800 मार्क्स होते हैं, ठीक है। मार्क्स होते हैं 800 और क्वेश्चन होते हैं 200, ठीक है। हर एक करेक्ट आंसर पे तुम्हें मिलेंगे 4 पॉइंट्स और हर एक नेगेटिव मार्किंग चलती है इसमें, ठीक है। हर एक गलत में मिलेंगे तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स। सो तुम्हें जो नहीं आता है तुम वो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो मतलब एक मार्क्स का तुम ले लो, क्या नाम है, रिस्क, लेकिन मेरी मानो तो मत लेना, ठीक है। क्योंकि फोर इसका मैं स्टोरी के बारे में बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। रुको, कोई आया, एक सेकेंड। हाँ सो मैं कहाँ थी, मैं बोल रही थी कि जो नहीं आता होगा उसको मत छूना, ठीक है, फॉर अगर तुम मेरी बात मानो, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद तुम्हारी होगी काउंसिल, तुम्हारा आएगा ऑब्वियसली रिजल्ट, हमारा तो 1 महीने बाद आया था, हो सकता है तुम्हारा 3 to 4 weeks के बीच में ही आ जाए, क्योंकि हमारा NTA से एफिलेटेड था, मतलब वो दोनों मतलब थर्ड पार्टी से था, तो इसलिए हो सकता है तुम्हारा जल्दी आ जाए। तुम्हारा आ गया रिजल्ट, अब तुम्हें कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। कॉलेज की प्रेफरेंस होनी चाहिए जो तुम्हारी रैंक आए उसके हिसाब से, यानी कि अगर तुम्हारा 10,000 रैंक आया तो तुम पूसा रख दो, अगर मतलब 10,000 में SC ST को मिल जाता है लेकिन जर्नल्स को नहीं मिलता, मैं जर्नल में इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो उनको तो बिल्कुल नहीं मिलता जो जर्नल होते हैं, SC ST का तब भी चांस है, ठीक है। तो अपने जो रैंक के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट होंगे उसे 1, 2, 3, 4, 5 पे ऐसे करके रख देना, यानी कि तुम्हारा इतना है तो तुम जो तुम्हारी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी वो तुमको मिल जाएगा। अगर तुम वहाँ पे तुम्हारे सपोज़ मेरी अगर आई है 2000 समथिंग, ठीक है, सो तो अगर मेरी रैंक तक का खुला होगा कोई सपोज़ IHM हैदराबाद सपोज़ फॉर एग्जांपल, तो अगर वहाँ तक का खुला होगा और मैंने हैदराबाद को रखा है 3rd नंबर पे और 2nd नंबर पे मैंने रखा है IHM चेन्नई को, और उन दोनों ने 2000 से ऊपर का खोल दिया है, तो फिर मेरे को चेन्नई मिल जाएगा, मेरे को हैदराबाद नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा मन, बहुत लोग ये कर देते हैं कि यही अच्छा है, लेकिन जिसमें तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो कि मतलब यही प्रेफरेंस होनी चाहिए तो उसको सबसे ऊपर रखना, सबसे ऊपर नहीं मतलब अपने हिसाब से, कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है पहले वो फिर वो फोर थ्री ऐसे करके, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। अगर और ईयर ड्रॉप तो बिल्कुल भी मत करना, बहुत चूतिए बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि ईयर ड्रॉप कर लेंगे, अगर हमें पूरा साल बर्बाद मत करना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है, अगर तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मिले कोई बात नहीं, तुम्हारी रैंक कम आई है, जब क्या नाम है प्लेसमेंट्स होती हैं तो सबके पास एक ही वही जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इतने दफे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में लोगों ने किया है, तो इसलिए मुझे पता है कि जो प्लेसमेंट्स सेंट्रल वाले के पास जाते हैं वो भी स्टेट वाले के पास जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता है, ठीक है। बस ये है कि उसको सेंटर देखता है और इसको स्टेट देखता है, ठीक है। स्टेट मतलब जिसको मतलब नहीं समझ आया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कॉलेज होगा, जो स्टेट है सपोज़ यूपी में कोई है तो वो यूपी स्टेट देखेगी, और ना कि बाकी कोई स्टेट देख सकती है, ना सेंटर इतना देखेगा, तो इसलिए बस जो सेंटर है वो सेंटर देखता है, स्टेट वाला स्टेट देखता है, ठीक है। उसके बाद होगी तुम्हारी काउंसलिंग का राउंड, तुमने ये डाल दिया तुम्हारा जो भी प्रेफरेंस था, सपोज़ तुम्हें नहीं मिला, उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है। अगर तुम्हें वो सीट चाहिए ही चाहिए तो तुम कर दोगे तुम फ्रीज, ठीक है। अगर तुम्हें वो सीट नहीं चाहिए, तुम्हें 2nd राउंड में जाना है, तो प्लीज़ फीस पे कर देना, वरना फिर सीधा तुम लास्ट राउंड में मिलोगे, 2nd राउंड तुम्हारा होगा ही नहीं, और वो जो सीट तुम्हारे मिली थी वो चली जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, बहुत बच्चों का इस साल हुआ है कि उनकी जो सीट थी उनको बहुत अच्छा अच्छा मिला। एक लड़का था, उसकी कुछ 2000 समथिंग थी, उसका हैदराबाद वगैरह समथिंग में हुआ था, तो उसने YouTube वीडियोस देख के उसने फीस ही नहीं पे की, तो उसकी वो सीट भी चली गई। अब वो सीधा 3rd राउंड में जाएगा, और 3rd राउंड में इतनी सीट्स नहीं बचती हैं, ठीक है। और क्या नाम है, तुम फीस पे कर दो, ठीक है, उसके बाद तुम 2nd राउंड में, 2nd राउंड से 3rd राउंड, ठीक है। जब तुम्हारे ये तीनों के तीनों ख़त्म हो जाएंगे राउंड्स, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि तुम्हें जो 3rd राउंड में सीट मिली है वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए होगी, सपोज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिली पसंद की, तो प्लीज़ ड्रॉप आउट मत करना, कि मतलब पूरा ड्रॉप कर दो पूरा 1 ईयर, ऐसा मत करना, कॉलेज जाना
बहुत टाइम बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है। सो अगर तुम्हें मिल गया वो सीट, तो तुम्हें मिल गई, तुम्हें अच्छी लगी, तो तुमने ले ली, ठीक है। तुम्हारे जो 40,000 हो गए उसमें से 2,000 क्या नाम है कट के तुम्हारी सीट फीस में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी काउंसलिंग हुई है तो उसके 2,000 कट के बाकी के 40,000 लगते हैं, 38,000 तुम्हारे चले जाएंगे उसमें एज अ फीस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हें नहीं अच्छा लगा होगा तो तुम्हें हर एक को 4,000 समथिंग मतलब अप्रॉक्स 5,000 तुम्हारे कट के बाकी के 35,000 तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है। और उसके बाद भाई फर्स्ट कॉलेज तुम्हारी रैंक के हिसाब से तुम्हें मिलेगा। सो इसलिए अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम्हें इतना टेंशन मत लो कॉलेज वगैरह का, और अगर ठीक है तो फिर क्या नाम पीजी वगैरह ये सब भी देखना स्टार्ट करते हैं। और मेरे को बता देना जिसको बुक वगैरह चाहिए होगी, मेरे को DM कर देना, आई विल गिव इट टू यू, या फिर मैं कोरियर करवा दूँगी अगर तुम कहीं बाहर रहते हो, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम ले जाना, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे DM कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, और DM और कमेंट्स में भी छोड़ देना तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट हो 2022 वगैरह के, तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं इसी साल आई हूँ और मुझे थोड़े दिन में कॉलेज भी ज्वाइन करना है, लाइक 1 or 2 weeks में। जो जो होता रहा करेगा मैं अपडेट देती रहा करूँगी। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आप सबने इन्जॉय किया होगा। बाय बाय।